कक्षा 11 की विविध प्रश्नावली 2 संबंध तथा फलन में आज हम प्रश्न क्रमांक 7वें को हल करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि एफ जी जबकि आर लगने से काम प्रांत भी वास्तविक संख्या सहप्रांत भी वास्तविक संख्या क्रमशः एफ ऑफ एक्स बराबर से एक्स प्लस 1 जी ऑफ एक्स बराबर से 2 माइनस 2x माइनस 3 के द्वारा परिभाषित है। तो हमको निकालना है f प्लस जी f माइनस जी और f बाय जी को ज्ञात करना है। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिए, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले f प्लस जी दिया है, मतलब f प्लस जी ऑफ x। इसका सीधा सा मतलब होता है f प्लस जी को ज्ञात करना है, मतलब f प्लस जी ऑफ x। इसका अर्थ हुआ f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1, जी ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 2x माइनस 3। 2x में x को जोड़ दीजिए, माना है 3x। माइनस 3 से प्लस 1 को घटा दीजिए, वैल्यू आ गई 3x माइनस 2। इस तरीके से ये हमने f प्लस जी को ज्ञात कर लिया। पुनः दूसरा मान ज्ञात करना था f माइनस जी, मतलब f माइनस जी ऑफ x। f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू ध्यान से देखिए x प्लस 1 यहां रखेंगे, x प्लस 1 ध्यान दें यहां माइनस साइन है और ये पद को लिखना है, तो माइनस, लेकिन इस साइन माइनस साइन के कारण हमने यहां पर ब्रैकेट लगाया, प्लस साइन था तो ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये माइनस साइन इन साइनों को चेंज कर देगा, 2x जो प्लस था उसको माइनस से बदल देगा, माइनस 3 था उसको प्लस से बदल देगा, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स 3 प्लस 1 4। ये वैल्यू आ गई एफ ऑफ जी एफ माइनस जी ऑफ एक्स का। अब हम ज्ञात करेंगे एफ बाय जी को, अब हम ज्ञात करते हैं एफ बाय जी को। इसका मतलब एफ बाय जी ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3। बटे में आपके पास ये पद आ गया 2x माइनस 3। हम लिखेंगे जहां पर ये रियल नंबर तो होगा लेकिन जहां पर 2x माइनस 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो पक्षांतर होने पर आएगा 2x इज नॉट इक्वल टू 3, मीन्स 2 को डिवाइड करेंगे तो मतलब x इज नॉट इक्वल टू 3/2। ये कंडीशन है f बाय जी ऑफ x की, तभी यह इसका कंप्लीट मान होगा। तो आज अपन ने विविध प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 7 को हल किया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आगे के लिए शेष कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।